अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। रुक करते अगली बड़ी खबर का। प्याज उत्पादक किसानों के बाद अब दूध उत्पादकों ने भी MSP की मांग उठानी शुरू कर दी है। ओडिशा के दूध उत्पादक किसान यानी डेयरी किसान अब दूध के लिए MSP की मांग कर रहे हैं। राज्य में डेयरी किसानों के एक संगठन ने इसे लेकर केंद्रीय मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से डेयरी किसानों ने मांग की है कि दूध का MSP 50 रुपए एक्सपोर्ट बैन के बचाव में कर दे, वहीं ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। वहीं दरअसल केंद्रीय मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर ओडिशा आए हैं। इस दौरान दूध किसान संघ के अध्यक्ष ने उनसे मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य के दूध उत्पादों ने ये सुनिश्चित किया है कि भारत विश्व स्तर पर इस क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल करे, वहीं इसलिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूध उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए ताकि उन्हें लाभ मिल सके। इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी के मौजूदा दौर में दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए प्रति लीटर तय करने की जरूरत है। साथ ही डेयरी उत्पादक निकाय में फिशरीज, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री से दूध और पनीर जैसे अन्य दूध आधारित उत्पादों को एकत्रित बाल विकास सेवाओं और माध्यम भोजन कार्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध भी किया है ताकि बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। तो ये थी बात की अब प्याज उत्पादक किसानों के बाद अब दूध उत्पादकों ने भी MSP की मांग उठानी शुरू कर दी है। वही ओडिशा के दूध उत्पादक किसान यानी कि डेयरी किसान अब दूध के लिए MSP की मांग कर रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।